राजकुमारी राजपूत। अच्छा, आज यहाँ आई किस बात को लेके आई? इस बात को लेके आए हैं कि हमारी पंचायत में 7 प्रत्याशी खड़े थे, हमारी पंचायत ने हमें चुना है, इस पद पे बिठाला है, और इस पद को लेकर ही मैं उनकी गांव वालों की समस्या सुलझ नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस बात को लेकर डीएम साहब के यहाँ आई हूँ, और डीएम साहब महोदय इस बात को अगर नहीं सुनते हैं तो मैं अपने प्रधानी से इस्तीफा दे दूंगी। कौन व्यक्ति है जो जिस कारण आप जो है कार्य नहीं कर पा रही गाँव के लोग? हाँ, लेखपाल जी हैं हमारे गांव के, वो इंद्रपाल जी हैं, वो बहुत भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं लोगों के साथ, हमारी भोली भाली जनता है उनको बहुत परेशान करते हैं सर। क्या क्या मांग करते हैं, किस प्रकार का भ्रष्टाचार? वो छोटी छोटी सी कमियां पकड़ के वो रिपोर्ट गलत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और पैसे की मांग करता है वो लोगों से, ये भ्रष्टाचार है उसका। जिलाधिकारी से क्या मांग की है आपने, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हमारे यहाँ से जो लेखपाल है उसको हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जा रहा है तो हम अपने प्रधानी पद से इस्तीफा दे देंगे। समस्या भ्रष्टाचार को लेकर है, लेखपाल जो मेरी पंचायत में भ्रष्टाचार मचाए पड़ा है, मैं उससे तृप्त हूँ। मेरे गांववासी जो हैं वो जो मेरी मुझे जिताया, उम्मीदों से मुझे प्रधान बनाया, मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। और जैसे कि गांव की भोली वाली जनता 150 रुपये आए जाती ऑनलाइन में खर्च होते हैं, तो उसमें लेखपाल जी राशन कार्ड संलग्न ना होने के कारण उसको निरस्त कर दिया जाता है। क्या मैं शासन प्रशासन से पूछूंगा क्या राशन कार्ड इम्पोर्टेंट है? उसमें 3-3 ID, 2 ID इसमें दिया गया है ऑप्शन में, जिसमें परिवार रजिस्टर की नकल दी गई है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया गया है, फोटो दी गई है, आधार कार्ड दिया गया है। और उस महिला, बेवा महिला है बेचारी, बूढ़ी है, और उसका उन्होंने आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त कर दिया। और जाति प्रमाण पत्र में क्या लिख के आया, ये लिख के आया कि मायकी की रिपोर्ट में अहिरवार जाति का उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश में अहिरवार जाति, चमार जाति को अहिरवार जाति से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में चमार जाति से जाना जाता है। क्या उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? ठीक है, इसमें ये कर दिया गया। दूसरी चीज है, जैसे माना कि प्रजापति समाज जो हमारी है वो मध्य प्रदेश में SC जाति में आती है, यहाँ पिछड़ी जाति में आती है, तो क्या वो SC में बनेगा कि पिछड़ी में बनेगा? जो उत्तर प्रदेश में जाने जाता है उसी के आधार पर बनेगा। दूसरी चीज एक और है मेरे पास, जय देवी रानी पत्नी अरविंद, जिसमें इस महोदय जी ने, लेखपाल जी ने जो आख्या के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसमें इन्होंने देखिए फोटो लगी हुई है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगा हुआ है, और परिवार रजिस्टर की नकल लगी है, आधार कार्ड, इसकी की मायकी की रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई? ये सब भ्रष्टाचार कारण बता रहा है कि भ्रष्टाचार उसने किया है और भ्रष्टाचार कर रहा है। इसी प्रकार से महोदय जुझार सिंह राजपूत है, जिनका ये राशन कार्ड के लिए बार बार उसके चक्कर लगा रहा है और डिमांड मांगी जा रही है, आप पूछ सकते हैं इससे, ठीक है ना। इसलिए मेरा शासन प्रशासन महोदय से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को मेरे यहाँ से तत्काल प्रभाव से भगाया जाए, अन्यथा अगर नहीं भगाया जा रहा है तो मैं अपना प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। प्रधान जी ने मुझको अभी प्रार्थना पत्र दिया है जो उसमें उन्होंने किया है, और लेखपाल सेक्रेटरी होते हैं, तो क्या चीज़ है ऐसी कि सेक्रेटरी में और अध्यक्ष में ये चीज़ें आ रही हैं? तो जो विकास कार्य से संबंधित लेखपाल नहीं होते हैं उसमें जो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बातें बताई गई हैं उसको मैं पूरी जाँच, स्पेशली जाँच करा रहा हूँ, और ये चीजें अगर सच होती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो मेरा प्रधान कह रही है कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि वो सोच रही है कि अपनी प्रधानी छोड़ दे, इस तरीके से मतलब इतना नियमों से सभी बंधे हैं, और नियमों के अनुसार जो शासनादेश है उसमें एक प्रक्रिया होती है और उसके आधार पर होता है, क्योंकि कोई भी निर्णय फाइनल नहीं होते हैं कि वो नियमों के तहत ही फाइनल होते हैं, तो जो चीज आई है उसके आधार पर जो जाँच होगी उसी पर उसको बताया जा सकता है।